ट्रक ड्राइवरों द्वारा किए जा रहे आंदोलन चक्का जाम के संबंध में कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा स्लीमनाबाद जबलपुर बॉर्डर चेक कर आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही श्रीमती ख्याति मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक प्रभारी एसडीओपी स्लीमनाबाद एवं निरीक्षक अखिलेश दाहिया थाना प्रभारी स्लीमनाबाद मय स्टाफ के साथ उपस्थित रहे। बीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अभी आप लोगों को सबको पता है कि जो नए कानून बने हैं उनके प्रावधानों के विरुद्ध ड्राइवर के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर आंदोलन किया जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और हमें स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की समस्या उत्पन्न जिले के अंदर नहीं होनी चाहिए। जो आवश्यक सामग्री है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, खाने पीने की चीज़ें हों या अनाज हो, उनकी शॉर्टेज जिले के भीतर ना हो, इसलिए आवश्यक है कि ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ियों की आवाजाही वो लगातार बनी रहे। इसी उद्देश्य से हमने अपने ज़िले के भीतर व्यवस्थाएं की, सभी मार्गों पर जो थाने अवस्थित हैं उसको हमने पेट्रोलिंग व्हीकल बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ फिक्स पिकेटिंग करके अपना जो फोर्स है वो सही से वहाँ पर कार्रवाई कर सके, अगर कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न होता है उसको तुरंत एक्शन ले सके, इस हेतु हमने निर्देशित किया है। और इसी क्रम में आज हम थाना स्लीमनाबाद का जो ये बॉर्डर है अपना सिहोरा के साथ, जबलपुर के सिहोरा थाने के साथ, उसका निरीक्षण करने हम आए हैं। कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये है कि आम जन को कोई दिक्कत ना हो और जिनको समस्याएं हैं नए कानून से तो वो अपना जो उनका वैधानिक तरीका होता है उसके हिसाब से अपनी बात रखें। बिल्कुल सर। तो सर स्ट्राइक का क्या कन्फ्यूजन है कि 5 डेज रहेगा, 3 डेज रहेगा, कुछ ऐसा नहीं? ऐसी कोई हमें अभी जानकारी नहीं है और हम लोगों का प्रयास है कि जनता को समस्या ना आए, इस संबंध में ही हम लोग कार्रवाई करना सुनिश्चित करते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।